उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी में अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह के मामले में केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी का अमेठी से बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह षड्यंत्र जनता के सामने खिलेगा नहीं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह का कांग्रेस से सीधा संबंध बताया है। इस महिला के ऊपर अयोध्या और लखनऊ में फर्जीवाड़े से पूर्व में ही मुकदमे दर्ज हैं। अमेठी कांग्रेस का गढ़ पूर्व में रहा था, लेकिन मेरे खिलाफ ऐसे प्यादे न खड़ा करे जिनका कांग्रेस और गांधी परिवार से सीधा संबंध है। कांग्रेसी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि अगर मेरे ऊपर हमला करना है तो ऐसे लोगों को खड़ा ना करें जो आपराधिक किस्म के हैं। विषय पर स्मृति ईरानी ने बताया कि पूर्व में इनके खिलाफ फर्जीवाड़े 15 मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। अमेठी से रणजीत सिंह की रिपोर्ट, SKH न्यूज। पहले तो अमेठी के सभी नागरिकों को मेरी अपील है कि अभी भी कोरोना वायरस का प्रकोप समाप्त नहीं हुआ है विश्व भर से। मैं गांव-गांव पात-पात जब जा रही हूं, जनता से यही आग्रह कर रही हूं कि कृपया अभी भी मास्क पहने रहिए, 2 गज की दूरी बनाए रहिए। विशेषतः जो वृद्धजन है हमारे पूरे क्षेत्र के, मेरी युवाओं से अपील है कि कोरोना की महामारी में वृद्धजन का और 13 रुपए किलो चीनी क्या आखिर अमेठी में कब बिकेगी 13 रुपए किलो चीनी? आज आप अगर चीनी के भाव देखें, तब जब 2014 की तुलना में यूपी और राहुल गांधी की सरकार थी, निश्चित रूप से आप जानेंगे कि राहुल गांधी की सरकार में न सिर्फ चीनी में जनता को लूटा गया, गौरीगंज मुख्यालय में किसानों को फर्टिलाइज़र लेने के लिए उन पर लाठी चार्ज किया गया। मेरी आपसे अपील है कि आप अगर गांव गरीब की सेवा करना चाहते हैं तो पहले राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और सोनिया जी से जाकर कहें कि कृपया सम्राट साइकिल की जो ज़मीन है किसानों को वापस लौटाएँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आज अमेठी की जनता एक तरफ सतत 1.5 वर्षों से अपने सांसद को धरातल पर जनता की सेवा करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि रायबरेली की जनता ने कांग्रेस को चुना था, रायबरेली की जनता क्यों आज अपने सांसद को दरबदर ढूंढ रही है? एक अंतर्राष्ट्रीय शूटर ने आपके निजी सचिव के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाए हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? FIR दर्ज हुई है भाई साहब, 3-3 फर्जीवाड़े की। मेरा आग्रह है कि उस FIR को ढंग से पढ़ा जाए। मैं ये भी जानती हूँ कि कांग्रेस का ये षड्यंत्र खिलेगा नहीं जनता के सामने, क्योंकि इस महिला का कांग्रेस के साथ घनिष्ठ संबंध है। मेरा आग्रह है कांग्रेस के मित्रों से कि अगर मेरे पर कोई हमला करना है तो कम से कम ऐसे लोगों को खड़ा कर फिर